कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस को अनिवार्यता के रूप में ही सभी कर्मियों को छुट्टी देना, ना कि सिर्फ एक उनका संवैधानिक हक है, बल्कि हम लोगों ने आज कल पेपर में भी निकलवा रहे हैं, परसों पेपर में भी निकलेगा, और जिस भी प्रतिष्ठान के द्वारा नहीं फॉलो किया जाता है उनके ओनर्स डायरेक्टर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सभी प्रतिष्ठानों को उनको छुट्टी देनी है जिससे कि वो वोट दे सके। हम लोगों ने इस बार बृहद पैमाने पे वोटर पर्ची बंटवाई है और मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी वोटर पर्ची आई होगी, और इस बार हम लोगों के यहाँ पे 90% से अधिक वोटर पर्ची बंट चुकी है। कल हमारे यहाँ पे 2000 से अधिक बूथों पे टोटल हम लोग के यहाँ डिस्पैच होगा, और सभी पोलिंग पार्टी जो है मोराबादी से डिस्पैच की जाएंगी। रिसीव जैसा कि बताया पटना में होगा, और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द सभी पोलिंग पार्टीज को वापस बुला करके ईवीएम को स्ट्रांग रूम को सील किया जाए। एक खबर आई थी जिसमें पेपर में निकला था सीआरपीएफ के संबंध में, तो उसमें इनको इंक्वायरी की गई है, वैसा सही नहीं पाया गया है। खेलगांव के संबंध में जो आज कई जगह पे निकला था उसका हम लोग खंडन करना चाहेंगे, बाकी अगर कोई इश्यूज हो तो पूछ सकते हैं। देखिए हर 35 बूथ पे एक टेबल होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ 370 बूथ है रांची में, तो करीब 11 टेबल है और 2 रिजर्व टेबल है। साथ ही साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए अलग टेबल है, माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए अलग टेबल है। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए पोलिंग, हर विधानसभा क्षेत्र के लिए स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। 3 राउंड ऑफ सिक्योरिटी है, सीआरपीएफ, जैप, डीएपी। कल सुबह 7 बजे से शुरू।